So welcome, welcome, welcome all. Today I am with another Hall of Fame. Her name is Shraddha Hedau, and recently she cracked SBI Junior Assistant post. So sunte iske bare mein, but before I start this particular interview, just pick up the notepad and pen, because a single idea can change your entire life. Because जो नए नए ताजे examination crack करने वाले students रहते, उनके अपने own strategies रहते, काफी सारी चीजें रहती. तो बहुत सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर इंटरव्यू से सीखने को मिलने वाली है. सो वेलकम श्रद्धा. सो टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में आप बताइए. या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू फॉर द वंडरफुल एक्सप्लेनेशन एंड इंट्रोडक्शन. सो आई एम श्रद्धा हेडाउ. आई परस्यूड इंजीनियरिंग फ्रॉम नागपुर एंड आई स्टार्टेड प्रिपरेशन इन फेब्रुवरी 2022. तो मेरे साथ ये हुआ, मेरी जो जर्नी ऐसी रही कि मैं कॉलेज टाइम में यूपीएससी प्रिपरेशन का सोचा था, पर फिर ऐसा हुआ कि प्रिपरेशन किया मैंने 2 साल, फिर मैंने कोचिंग भी ज्वाइन करी, पर फिर मैं मिसगाइड हो गई थोड़ा सा, एंड देन कोविड हो गया, कोविड आया, तो फिर उसके वजह से घर आए, फिर प्रिपरेशन रुक गया. फिर 2021 में ऐसा हुआ कि फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं, प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी घर पे. फिर ऐसा हुआ कि मैंने ब्रेक ले लिया 2021 में. मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, मैंने थोड़ा सा फ्रीलांसिंग किया. फिर फेब 2022 में आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया था, तो फिर पापा ने बोला कि आरबीआई अच्छा है तो भर दे फॉर्म. फिर मैंने फॉर्म भरा, मार्च में एग्जाम था, मैंने 1 महीना प्रिपरेशन किया, सिर्फ मॉक टेस्ट पे मैंने रिलाय किया, और फिर मैंने देखा कि स्कोर मेरा अच्छा खासा बना. आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स में मेरा स्कोर बना 74, जो कि 1 मंथ के प्रिपरेशन में मुझे लगा कि अच्छा है, लाइक डूएबल है, और अगर मैं अच्छे से प्रिपेयर कर दूं तो इजीली मतलब हो जाएगा एग्जाम, बाकी जो बैंक एग्जाम्स थे वो भी क्रैक हो जाएंगे ऐसा. फिर मैंने बैंक एग्जाम्स के बारे में वीडियोस देखना स्टार्ट किया, यूट्यूब पे सर्च किया कि कैसे होते एग्जाम्स, क्या होते हैं, क्या पैटर्न होता है, कौन फैकल्टीज होती है, कौन अच्छे से कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं. फिर उस पे मैंने रिसर्च किया, तो देन वन डे आई केम अक्रॉस योर वीडियो ऑन वर्कशॉप. तो मैंने सोचा कि चलो इतना दिख रहा है ये वीडियो, ₹9 का वो वर्कशॉप था उस टाइम, तो मैंने रजिस्टर किया, वर्कशॉप अटेंड किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मैंने सोचा कि ही इज द राइट मेंटर फॉर मी, तो ऐसे मेरी एंट्री हुई हमारे एचओसी में. ओके, अच्छा, तो इस तरीके से एंट्री हुई. मुझे थोड़ा सा और पहले का जानना है कि आपका ग्रेजुएशन कौन सी ईयर में कंप्लीट हुआ? मेरा ग्रेजुएशन 2020 में हुआ. अच्छा, 2020 में कंप्लीट हुआ, एंड देन कोविड हैपेंड, राइट? यस यस. तो जो एग्जाम मई में खत्म होना, वो मेरा खत्म हुआ अक्टूबर 2020 में, फाइनल सेमेस्टर. एंड उसके दौरान आपने बैंकिंग का प्रिपरेशन शुरू किया था या एसएससी का शुरू किया? मैंने यूपीएससी के बाद थोड़ा सा मैं एसएससी की तरफ इंक्लाइंड हो गई थी, क्योंकि यूपीएससी वाले बहुत सारे लोग एसएससी का भी एग्जाम्स देते हैं, तो पर फिर उसमें ऐसा था कि बहुत टाइम जाता है एसएससी में भी, बहुत टाइम बाद ज्वाइनिंग मिलती है, प्री मेंस उसमें भी बहुत टाइम जाता है, तो पर फिर बैंकिंग का जो प्रोसेस है पूरा नोटिफिकेशन से लेके प्रोसेस वो फास्ट होता है, तो इसलिए मैंने बैंकिंग को चूज किया. तो हम ऐसा मान सकते हैं कि स्वप्निल सर बैंकिंग के तरफ प्रिपरेशन करने का जो एक मोटिवेशन आया, एक डिसीजन आया, वो प्रोसेस के वजह से इंस्पायर्ड होके आया या ऐसा डेडिकेटेडली आ गया, ऐसा कोई पॉइंट है, या सिर्फ यही है कि स्वप्निल सर इसका प्रोसेस काफी फास्ट होता है एंड एक अच्छी पोस्ट होती है, सब कुछ अच्छा होता है, एंड दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर द बैंकिंग, या कोई ऐसा हुक था कि फैमिली में से ऐसा कोई या किसी से आप इंस्पायर्ड हुए, ऐसा कौन सा पॉइंट था, ऐसा एक कौन सा पॉइंट था, मुझे जानना है या स्टूडेंट को भी जानना रहता है. बिकॉज श्रद्धा मैं एक चीज बड़ी ऑब्जर्व करता हूँ मार्केट में कि स्टूडेंट वॉन्ट्स टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, और आज मार्केट इतना हला हुआ है कि हर घर में वीडियोज अवेलेबल है फ्री में, तो हर बंदा प्रिपरेशन में एंट्री तो कर रहा है, लेकिन उसका इंटेंशन, पर्पज, मिशन, गोल, टारगेट, इमोशन, डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, और ये चीजें ना रहने की वजह से उसका सर्वाइविंग ड्यूरेशन बढ़ता है. तो ऐसा कोई बुक था क्या जो आपको अंदर से हमेशा पुश करते रहता था, नई श्रद्धा तेरे को करना है, नई श्रद्धा तू कर सकती है, क्योंकि श्रद्धा के फेलियर मैंने भी देखे. सो ऐसा क्या पॉइंट था कि शुरुआत जो आपने चालू करके बंद किया देना, ऐसा कुछ? हाँ
हाँ, तो इंटेंशनली मैंने बैंकिंग के कदम नहीं बढ़ाया था. मेरा ऐसा हो गया कि मेरे जो बाकी फ्रेंड्स थे वो लोग ऑलरेडी आईटी में एंटर कर चुके थे, मतलब उनका इनकम सोर्स चालू हो गया था. तो फिर मेरे घर वाले भी थोड़ा सा पुश करने लगे कि अब नहीं हो रहा होगा तो छोड़ दे, मतलब आईटी सेक्टर में चले जा. फिर मेरा ऐसा था कि मुझे नहीं जाना है आईटी सेक्टर में, तो इसलिए फिर मैंने चूज किया कि चलो बैंकिंग की तरफ चलते हैं. तो और फिर मैंने देखा कि पीओस का जो बैंकिंग मतलब अच्छा डिसेंट सैलरी भी है और वर्क प्रोफाइल भी अच्छा है, फिर इसलिए मैंने बैंकिंग की तरफ मोड़ लिया. अच्छा, मोड़ लिया. तो इस दौरान आपको काफी डिस्ट्रैक्शन भी आए होंगे, वैसे सब्जेक्ट के स्ट्रेटेजी और सारी चीज के बारे में गाइज अब हम बाद में एंट्री करेंगे उसके अंदर, उस पॉइंट के ऊपर मैं पक्का जाऊंगा जिसको आपको तलाश है. लेकिन मैं पहले जानना चाहता हूँ, ये हुक आप समझ लो कि यार वो कब अपने अंदर ठहराव आया कि यार अपने को फेलियर भी आ रहे हैं लेकिन एक ठहराव है कि भैया यही करना है अब. ओके, तो यही हुआ कि जो आरबीआई का जो पेपर था मेरा, उसमें जो मतलब वो पेपर का जो मैंने जब लेवल देखा, जैसे उसमें इंग्लिश था, क्वांट था, रीजनिंग था, तो मुझे लगा कि ये चीज डूएबल है, ये मैं कर लूंगी अगर इसको अच्छे से मास्टर किया जाए, अच्छे से अगर मैं प्रैक्टिस कर लूंगी तो फिर ये मेरा फोटे है कि मुझे ये हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा. तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि अगर अगर ये पेपर में मैं एक मंथ में अगर मैं इतना कर सकती हूँ, तो फिर अगर मैं अच्छे से डेडिकेटेडली 6 months का भी प्रिपरेशन कर लूँ प्रीलिम्स मेंस का, तो ये आराम से क्रैक हो सकता है, ऐसा वो चीज हुआ. वंडरफुल, ठीक है. सो मुझे एक बात बताओ श्रद्धा, ये सब चीज में माइंडसेट का रोल कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर माइंडसेट, मतलब बहुत बड़ा रोल है. मेरा जो माइंडसेट है, मैं मेरा माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव ही रहा है. तो पॉजिटिव कब आप मोस्टली, मैंने 2022 में मतलब पिछले साल एचओएस करने के बाद मैंने अपने आप को एक बेहतर इंसान बनते हुए देखा है, बिकॉज ऑफ राइट काइंड ऑफ गाइडेंस एंड राइट काइंड ऑफ मेंटोर. क्योंकि उसके पहले भी ऐसा होता था कि मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट होती थी. थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि लाइक आप जिस टाइम आपकी एडमिशन हुई और जिस ग्रुप में आप थे उस ग्रुप में काफी बवाल भी हो गई, राइट? तो इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन आया कि फिर भी स्वप्निल सर के ऊपर भरोसा रखना, इसीलिए मैं बोला कि माइंडसेट कितना, क्योंकि दिस इज द मैसेज फॉर एवरी इंडिविजुअल गाइस, कि आप किसी भी बंदे के पास पढ़ रहे हो ना जेन्युइनली, एंड अगर वो बंदा आपके रिजल्ट के लिए काम कर रहा है ना, तो आपको दुनिया कितना भी भड़काएंगी ना यार, उधर आपका भरोसा होना चाहिए. देखो दिमाग में याद रखना, एक स्टेटमेंट मैंने सुना है कहीं से कि आप वो क्या बोलते हो उसको, जस जस जगह जाके जो गाइडेंस लेने से बेहतर है एक भगवान श्री कृष्ण ढूंढो, उसके ऊपर भरोसा रखो, एंड अगर ही और शी इज द इफ यू कंसिडर वो राइट पर्सन है जो आपको गाइड कर सकते हो उसके ऊपर भरोसा रखो, रिजल्ट दिखता है जैसा आपको ये दिखा है. तो कोई भी हो सकता है, एनी बडी. तो आपका माइंडसेट आने बड़ा रोल प्ले करता है. कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हिसाब से? एक तो हो गया कि ठहराओ, दूसरा और कुछ? ठहराव हो गया, जैसे कि आपको अपने आप पर सेल्फ बिलीव भी एक होना चाहिए कि हाँ मैं इस एग्जाम के काबिल हूँ, ये सबसे है. और उसके बाद में आपका जो एनवायरनमेंट है, जिस ग्रुप में आप हो, आपके जो घर का एनवायरनमेंट है, और फिर जो आप खुद के लिए जो काम करते हो, जो खुद के माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए, जैसे उठकर एक्सरसाइज करना, जो अफर्मेशन हम लोग बनाते हैं, जो हमारे बैंकिंग के रिचुअल्स होते हैं, ये सब चीज को फॉलो करना. पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है, पर हमारे जो माइंडसेट को बिल्ड करता है ये वो चीजें है, जैसे एक्सरसाइज हो गया, जैसे कोई अगर मेडिटेशन करता है तो वो हो गया, कोई अगर स्पिरिचुअल पाथ को जो फॉलो करता है, कोई हम लोग किसी टेड टॉक्स को सुनते हैं या फिर किसी अच्छे अच्छे जो स्पिरिचुअल गुरुज को हम लोग सुनते हैं. जैसे मैं गौर गोपाल दास जी को फॉलो करती हूँ, आज भी मैं उनको बहुत सुनती हूँ. मैं उनकी एक बुक भी है अमेजिंग लाइफ, लाइफ सीक्रेट्स कुछ ऐसा उसका नाम है, तो वो उनकी बहुत अच्छी बुक है. आज भी मैं सुबह उठ के रोज हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, ऐसा मेरा शेड्यूल थोड़ा सा चलता है. तो ये सारी चीजें माइंडसेट में बहुत हेल्प करती है, माइंडसेट को डेवलप करने में. यानी अगर हम रिजल्ट के मामले में देखा जाए तो पढ़ाई, सब्जेक्ट, टैक्टिक्स, शॉर्टकट, प्रीलिम, मेंस, इन सबसे ऊपर का पॉइंट माइंडसेट है. माइंडसेट, यस, सबसे ऊपर का पॉइंट माइंडसेट एंड क्लैरिटी, जो मैं हमेशा बोलता हूँ. क्लैरिटी. सो आप उस रिजल्ट के थ्रू अभी गए हो, आपका फाइनल हो गया, तो आपको भी ये रियलाइज हुआ कि माइंडसेट का बड़ा गेम.
यस फॉर श्योर. जैसे मेरा आईबीपीएस का था, मेरा मैं थोड़ा सा आईबीपीएस के बारे में बात करना चाहूंगी. मुझे लग रहा था कि मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस हो जाएगा, पर वो नहीं हुआ. उसके बाद मुझे भी लग रहा था, उसके बाद का जो डाउन टर्न था, मतलब वो मेरे जो 4-5 दिन गए उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब कुछ नहीं है. पर फिर मैंने बोला कि नहीं हो जाएगा. पर आपने एक मेरे लिए बहुत अच्छा मैसेज छोड़ा था, जिसके बाद एसबीआई का मींस था, एसबीआई क्लर्क का मींस की श्रद्धा हुक एंड क्रूक आप करना ही है. उस मैसेज को मैंने पकड़ा कि यार मेरे मेंटर को मुझ पे इतना भरोसा है तो मुझे भी खुद पे भरोसा होना चाहिए. तो उस चीज को मैंने पकड़ा और फिर मैं गई पेपर देने. पीएसपीओ मींस नहीं तो ये तो होना ही चाहिए. तो ये भी एक था ड्राइविंग फोर्स. बहुत बढ़िया. अच्छा फिर आते हैं हम थोड़ा स्ट्रेटेजीज के ऊपर. अभी जब बंदा हम एक बात करते हैं कि एक फ्रेशर बंदा, जैसे श्रद्धा भी एक जमाने में फ्रेशर ही थी, तो कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट ने श्रद्धा आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, दैट आपको क्या लगता है एक फ्रेशर स्टूडेंट ने शुरू करना चाहिए? हाँ एक फ्रेशर है, जैसे मैं भी फ्रेशर ही, क्योंकि मेरा ये पहला ही अटेम्प्ट था. मेरे सारे बैंकिंग एग्जाम्स का पहला अटेम्प्ट था. मैंने इसके पहले कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स कभी नहीं दिए थे. मैंने सीजीएल का दिया था पर ये नहीं दिया था. पर मेरा ऐसा था कि मेरा थोड़ा सा अरिथमेटिक हो गया था क्वांट में. तो अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज को देखे, तो जैसे मेरा इंग्लिश है, इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो इंग्लिश में मुझे उतना ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ा. पर उसके लिए भी मैंने 2-3 चीजें फॉलो करी. वो पहला था कि न्यूज़पेपर पढ़ना इंग्लिश के लिए. फिर उसके बाद नॉवेल्स मैं आज भी पढ़ती हूँ बहुत पहले से ही. और उसके बाद में हमारी जो सेक्शनल मॉक टेस्ट है, जो स्टडी उसकी जो सेक्शनल मॉक टेस्ट है, उसने बहुत हेल्प किया मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए. फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन को अगर देखते, जो है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें जो एज अ फ्रेशर मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग रोज सुबह उठकर स्क्वायर क्यूब टेबल्स लिखने की बात करते हैं, और जो रोज हम जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उनपे अगर हम लोग अच्छे से कड़ मजबूत कर लेते हैं, तो ये कैलकुलेशंस की स्पीड हमारी बनती है, एक्यूरेसी धीरे धीरे डेवलप होती है. फिर ये सारी चीजें हमारी डीआई में हेल्प करती है बहुत ज्यादा. फिर अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस है उनमें हेल्प करती है. तो ये एक फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया. फिर थोड़ा सा हम लोग जब ऊपर जाते हैं, तो हमने अरिथमेटिक में जैसे लेवल 1 की शीट सॉल्व करी थी, फिर लेवल 2 के क्वेश्चंस लगाए थे, फिर हम थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम लोग मेंस के जो एक्चुअल क्वेश्चंस थे उनके तरफ हम लोग गए थे. फिर अगर रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में जो रीजनिंग तो सबका थोड़ा ना थोड़ा होता ही है पहले से ही. मतलब ऐसा कोई नहीं है कि रीजनिंग में कोई जीरो हो. जीरो मार्क्स तो किसी को आ ही नहीं सकते रीजनिंग में. और मतलब होता ही है, 50% तो होता ही है बचपन से. तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आसानी से हो ही जाता है मुझे ऐसा लगता है. तो उसमें भी जो हमने स्टार्टिंग में जो किया वो मिसलेनियस टॉपिक्स को किया, जैसे हमारी इनइक्वालिटीज हो गया, फिर जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिर उसमें हमने लेवल जो एकदम लेवल 1 की शीट्स है उनको सॉल्व किया. फिर हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाते गए. फिर उसके बाद में हमने जो पजल्स है, पजल्स हमने टाइप वाइज पजल्स करी. फिर लेवल 1 की शीट्स की. और फिर जो हमारी जो मॉक्स है, हमारी सेक्शनल मॉक्स तो चली रही थी जो मेंस की थी, जिसमें हम लोग डीआई और पजल हम लोग साथ में करते ही थे एचओसी में. तो वो बहुत हेल्पफुल रहा है. फिर हमारा करंट अफेयर्स होता है. करंट अफेयर्स तो वो तो ऐसा है कि डेली बेसिस पे पढ़ना ही पढ़ना है उसे. मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस में देखा, करंट अफेयर्स में मैंने सबसे खराब मार्क्स मेरे उसमें ही थे, क्योंकि मैंने उस सब्जेक्ट को निग्लेक्ट किया था. तो उसके वजह से कहीं ना कहीं वो रह गया. फिर मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस में मैंने अच्छे से, पर उसमें भी मेरे ज्यादा अटेम्प्ट हो नहीं पाए, क्योंकि उसका लेवल भी अच्छा खासा आया था एसबीआई क्लर्क मेंस में. तो करंट अफेयर्स तो यही है कि एक स्टैटिक एक किसी भी अच्छे सोर्स को पकड़ो और उसको डेली पढ़ो. सारे सोर्सेस तो अच्छे ही है मार्केट में, सब अच्छा ही कंटेंट देते हैं. बस यही है कि आप कितना एफर्ट्स लगाते हैं. तो सब्जेक्ट के ऊपर तो आऊंगा मैं. तो ये हो गया फ्रेशर. जैसा मैं फ्रेशर को, जैसे एक अच्छी न्यूज आपके लिए ये बन गई कि लाइक यू स्टार्टेड, पहले भटकते आपने शुरू कर दिया, देन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द प्रिपरेशन एंड यू came across my like workshop. तो workshop के through आ गए, आपको guidance मिल गया. ठीक है, अब guidance मिला तो वो तो बात है कि 50% बच्चे ने किया होगा या 40-30% like guidance का असर होता है, बाकी 70-60-70 student ही करता है. But point ये है कि जैसा एक fresher student है कि like वो अपनी preparation की journey को शुरू करना चाहता है, जैसे
मान लो मैं एक फ्रेशर स्टूडेंट हूँ, आई एम अंडर ग्रेजुएट गाय, तो हम जनरली स्टूडेंट के डिसीजन देखते हैं कि अगर मुझे प्रिपरेशन करना हो तो काफी सारे लोग, तो हमको बस ये आपसे पता करना है मुझे कि ये सही है या राइट है या रॉन्ग है। जैसे पहला एक टाइप दिखता है कि अभी यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स है, जैसे मैं भी इंग्लिश फ्री में पढ़ाता हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अभी अभी शुरू किया आपके सामने, दूसरा पॉइंट कि लेक्चर की कोई कमी नहीं है मार्केट, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, दूसरा तरीका, कोई लड़का बुक्स वगैरह बाय करता या कहीं से पीडीएफ के कोर्स खरीद लेना एंड देन प्रैक्टिस के ऊपर चलते जाना। तीसरा पॉइंट एक दिखता है कि कोई लोकल में रेफरेंस के थ्रू क्लासेस लगा लेना और फिर जैसे जैसे वो करवा रहे वो चलते जाना, कोई अपने हिसाब से प्रिपरेशन करते रहना। तो इन सब में ऐसा कौन सा पॉइंट उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है या सही तरीका? जैसे मैं हमेशा बोलते रहता कि यार, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार कुछ भी करना, ये लाइफ का आखिरी पड़ाव है, इसके साथ चीटिंग मत करना, फाइंड समबडी जो आपको पकड़ के लेके चले, आपको रास्ता दिखाए। बिकॉज आज भी यार श्रद्धा, इतना बुरा लगता है मुझे, आज भी अपन एडमिशन का रेशो देखते हैं ना कम्युनिटी में, मेरे को बहुत ऑकवर्ड, यानी मेरे को समझ भी नहीं आता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी इतनी बढ़ती है कि 50% ऑलरेडी पढ़ाई करने वाला बच्चा कम्युनिटी में आ रहा है, तो जो मैं 21 डेज से शुरू करना चाहता हूँ वो मैं कर ही नहीं सकता, मुझे पहले उसका स्टैंडर्ड पता करना पड़ता है। अच्छा भाई साहब कहाँ पे थे आप, अच्छा कितना किया हुआ है, अच्छा इंग्लिश का स्टैंडर्ड कितना है, अच्छा हर एक सब्जेक्ट का कितना है, यानी उसकी पर्सनल मीटिंग में मुझे उसके साथ बात करना पड़ता है लिटरली, एंड देन उसके प्रेजेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको एक 6 to 7 डेज का प्लान देना पड़ता है, जिसमें पेपर मॉक्स एक्टिवेट करवा के देन मुझे उसके करंट परफॉर्मेंस से समझ के देन नेक्स्ट प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ता है कि भाई तेरे को कोई बैच में डालू या तेरे को पेपर के थ्रू लेके आ जो। तो इसका मतलब उस स्टूडेंट ने सबसे बढ़िया डिसीजन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्रेशर ने क्या लेना चाहिए प्रिपरेशन में एंट्री करने से पहले, बिकॉज हमने देखे काफी सारे पैरामीटर में लड़के शिफ्ट हो जाते हैं, तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट रास्ता क्या होना चाहिए? यानी आप अगर अभी प्रिपरेशन में एंटर कर रहे हो तो शुड आई जंप इनटू द वीडियोस और बुक्स और फाइंड समबडी या टेक द गाइडेंस, या क्या ऐसा करना चाहिए एज अ स्टूडेंट? सबसे पहले तो एज अ स्टूडेंट हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं, वो देखते हैं सिलेबस, फिर एग्जाम का पैटर्न, और फिर हम ढूंढते हैं राइट काइंड ऑफ मेंटर जो हमें लास्ट तक हमारे साथ रहे, कि जब स्पेशली उस दिन के लिए जब हमारा रिजल्ट हमें दिखे कि फेल आ गया, तो उस वक्त ऐसा लगता है कि यार अब प्रिपरेशन छोड़ना चाहिए, पर नहीं, उस टाइम पे हमें एक मेंटर चाहिए होता है कि नहीं यू कैन डू इट, जो आपके साथ खड़ा रह सके, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे बैंकिंग का सबसे मुझे लगा यूट्यूब पे सबसे ज्यादा जो मटेरियल अवेलेबल है, जो पूरे इसमें ही इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट सबसे ज्यादा एग्जाम का मटेरियल जो अवेलेबल है वो है बैंकिंग का। ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग आपको हाथ पकड़ के आगे ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि हमारे पास इतने एडमिशन है, पर पॉसिबल नहीं है कि आप सबको पर्सनली अटेंशन दे सको, वो भी एक होता है। जैसे हम लोगों ने जब HOC ज्वाइन किया तो हमारी वीक में 3 बार मीटिंग होती थी, हम सर कितना मीटिंग ले रहे, ऐसा भी होता था कभी कभी, पर वही चाहिए होता है, क्योंकि हर एक वीक बाद ऐसा लगता है कि अब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब मैं भटक रहा हूँ, अब ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं दिख गई मार्केट में, कोई नई बुक आ गई, किसी ने कुछ नया बता दिया, कोई नया इंटरव्यू आ गया, तो इसने ये स्ट्रेटेजी फॉलो किया तो हम भी वो फॉलो करेंगे, पर नहीं, हम जब एक चीज पे जो स्टिक करते हैं उसके वजह से हमारे रिजल्ट आते हैं। ऐसा नहीं कि आज 2 दिन हमने ये फॉलो किया, कल 2 दिन हम ये फॉलो करेंगे, तो उससे वो तकलीफ होती है, हमारे माइंड को भी थोड़ा सा अडेप्ट करने के लिए, आदत लगाने के लिए भी टाइम लगता है, उसके लिए राइट काइंड ऑफ मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, तो ये फ्रेशर के हिसाब से जो मैं भी हमेशा मानता हूं कि एज अ फ्रेशर ज्यादा ना भटक के एक हैंड पकड़ लो यार, वो कोई भी हो सकता है, जो कोई भी से बेहतर, जो उस सेक्टर में आगे बढ़ चुका है, जिनको उस सेक्टर का नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, ये सबसे पहला पॉइंट। नहीं तो यार आज भी पता है, अभी आपके साथ इंटरव्यू में बात कर रहा हूं, मेरे को इतना बुरा लगता है कि अभी अपन ने ना लेटेस्ट में और एक चीज शुरू की 99 रुपीज का, लाइक क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रैटेजी कॉल करके, ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजी कॉल के पहले ना अभी कुछ 4-5 लोगों का एडमिशन हुआ है इतने में, और वो 4-5 लोग ऐसे, यार श्रद्धा मेरा, यानी मुझे इतना बुरा लगा कि दे हैव स्पेंट 3-3 साल 2-2 साल इन द प्रिपरेशन विदाउट टेकिंग एनी गाइडेंस।
आई एम सुपर शॉक कि यार तुम अपने आखिरी लाइफ आखिरी पड़ाव के बारे में इतना रिस्क क्यों लेते हो यारा, कि यार ये तो लाइफ का आखिरी पड़ाव है। साल बढ़ने का मतलब है पैसा बढ़ना, फैमिली प्रेशर बढ़ना, मेंटल प्रेशर बढ़ना, फिर खुद को संभालना माइंड के हिसाब से, एंड तुम इसी बिलीव के ऊपर चलते हो कि यार मैं बुक्स बाय कर लूंगा, पढ़ाई कर लूंगा। यार लाखों लड़का पढ़ाई कर, ठीक है, कॉम्पिटिशन जिसको बोलते हैं ना भैया, कर रहे हैं। तो हम यही बोलते कि कोई भी हो यार, जो उस सेक्टर में आगे बढ़ा है ना, हाथ पकड़ लो, आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे रिजल्ट आने के एज कंपेयर टू, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आता है लेकिन चांसेस कम रहते, मेरा है मानना। नाउ मैं आता हूं सीनियर, कि यार श्रद्धा आप तो उस फेस के थ्रू शायद नहीं गए, या नहीं गए शायद, आप डायरेक्ट आ गए, बट मार्केट में जैसे अपन देखते हैं कि लड़का दो दो साल से पढ़ाई कर रहा है और लड़के के बोलना भी रहता है कि स्वप्निल सर मैं पेपर भी देता हूँ रोज का एक, या फिर मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मेरा मैथ्स में ऐसा स्कोर आ जाता है एवरेज, रीजनिंग में ऐसा आ जाता है, कोई बोलता है मैं प्रीलिम क्रैक कर लेता हूँ लेकिन मेरा मेंस नहीं बनता। तो हम इस स्टूडेंट को बोलते हैं कि लाइक वो एक सर्वाइविंग ड्यूरेशन में भी जी रहा है, या एक सीनियर स्टूडेंट बोलते हैं, रिपीटर बोलते हैं। तो ऐसा रिपीटर वालों ने क्या करना चाहिए, बिकॉज अभी हमारा इंटरव्यू जो है ना राइट टाइम पे लॉन्च हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी इस वीडियो को देखेंगे और जो एंड तक देख रहा है, आई एम टेलिंग यू बॉस, तुमको एक से एक तगड़ी चीजें इस इंटरव्यू के थ्रू पता चलने वाली है। सो आपके हिसाब से श्रद्धा, उस सीनियर स्टूडेंट ने अभी उनका स्टेप क्या होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, जिनके पास गाइडेंस जैसे जिनके पास गाइडेंस नहीं उनको तो सबसे पहले तो मेंटर ढूंढो, कि हो सकता है अगर आपका इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अगले साल भी ना हो, बिकॉज यू हैव यू लैक दैट मेंटोरिंग, क्या जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है मेरा IBPS PO मेंस का रिजल्ट नहीं आया तो वो क्यों नहीं आया, आज मुझे पता है मैंने उसमें कमियां ढूंढी, और मुझे पता है मैं अपने मेंटर के साथ वो शॉर्टकमिंग्स को डिस्कस कर सकती हूँ। आप अगर अकेले ही प्रिपेरेशन करते रहोगे तो आपके पास कोई होगा नहीं आपको गाइड करने के लिए कि आपकी ये कमी है, पर आपके पास अगर मेंटर होगा तो वो आपको गाइड कर सकता है कि आपका यहाँ पे स्कोर कम है, या फिर आपको ये ऐसे चेंजेस करो, फिर हो सकता है आप रिजल्ट दिखे। तो दिस इज वॉट you need to take the next step to find a mentor first of all, फिर उसके बाद तो हो गया कि already है चलो कर रहे हैं, ऐसा मेंटोर है उनके पास जिनके पास रोज बातें होती है, या एक दो दिन में उनके साथ वो डिस्कशन कर सकते, मान लो ये है तो उनके लिए क्या, उनको क्या करना चाहिए? उनको तो हो सकता है सर कि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ लोगों को माइंडसेट में भी प्रॉब्लम होता है, जैसे टेलीग्राम पे जो हम दिखते हैं कि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो उनका माइंडसेट ना वो स्ट्रिंजेंट रखते हैं बहुत, कि ऐसा ही होता है और यही ठीक है, पर हम लोगों को उस माइंडसेट को भी चेंज करना है कहीं ना कहीं, कि मैंने अपने स्ट्रेटेजीज को फ्लेक्सिबल बनाना है, कि अगर ये स्ट्रेटेजी नहीं वर्क हुई तो मैं इसको थोड़ा सा तोड़ू मरोड़ू, थोड़ा सा चेंज करूं, कि अब पिछले बार मैंने ऐसा किया था तो अब मैं ऐसा करके देखता हूँ, कि पिछले बार हो सकता है मैंने ये, हो सकता है मुझसे ये चीज छूट गई हो, तो हो सकता है मैं इस बार इस चीज को इस अलग तरीके से करके देखूं, तो शायद आपको रिजल्ट मिले। गो ऑन एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स, कि ऐसा नहीं कि यही होता है तो इसी से रिजल्ट मिलेगा, नहीं, हो सकता है आपके लिए अलग स्ट्रेटेजी वर्कआउट करे। अच्छा श्रद्धा मुझे एक बात बताओ, मॉक्स का इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है या मॉक्स का क्या इम्पोर्टेंस है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन? अगर हमारा प्रिपरेशन 50% है तो मॉक्स 50% है, मैं ये बोलूंगी, क्योंकि हम जब मॉक्स देते हैं तो हमारा माइंडसेट भी उसके साथ डेवलप होता है, क्योंकि कभी कभी प्रीलिम्स का तो भी ठीक है, प्रीलिम्स का मॉक हम लोग दे देते हैं, पर मेंस का ऐसा लगता है कि नहीं आज नहीं देते, वो एक डर होता है कहीं ना कहीं मॉक करने का, कि यार मेंस का मॉक है, पर हम भूल जाते हैं कि एग्जाम में भी हमें यही फेस करना है, और जो मेन यहाँ पे चैलेंज है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का नहीं है, पर वो जो 3 से 3.5 घंटे का मेंस का पेपर है उस टाइम पे अपने ब्रेन को उतना टाइम एक्टिवेट रखना, वो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। जैसे IBPS PO मेंस की मैं बात करूँ, उसमें जो क्वांट का सेक्शन था वो सबसे लास्ट में खुला था, उसमें भी वो पेपर बहुत टफ आ गया था, तो हम जैसे मेरी प्रैक्टिस थी तो मेरा उसमें सेक्शनल कट ऑफ निकल गया था, पर कुछ लोगों का ऐसा हुआ कि उनका ओवरऑल तो निकल सकता था पर उनका निकला, फिर कोई जो लोग कोई कोई ऐसा करता है कि कोई सेक्शनल मॉक्स ही देते रहता है, पर हम लोग भूल जाते हैं कि हमें फुल मॉक्स देके ही जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो होगा। तो मॉक्स का इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है।
अच्छा अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और डायरेक्ट पूछूं कि लाइक द काइंड ऑफ पैटर्न दैट एचओसी लाइक अप्लाई करता है जो टेस्ट सीरीज का, जिसका जैसा मेरा ही मानना है, आई एम द लाइक फाउंडर ऑफ एचओसी, तो मेरा मानना है कि लाइक जैसे एवरी सिंगल डे यू हैव टू स्पेंड 180 to 200 मिनट्स ऑन मॉक्स के अंदर, तो क्या वो मेरा मानना लगभग सही है? यस यस, वो सही ही है, क्योंकि जब तक हम आदत नहीं लगाएंगे खुद को उतना टाइम बैठने की, उतना टाइम दिमाग को चलाने की, वो हमारा वो माइंडसेट भी डेवलप नहीं होगा और एग्जाम में हमारे वो काम नहीं आए। जब तक हम सेक्शनल सी देते रहेंगे, उठते रहेंगे, एक मॉक देते हैं उठ जाते हैं, पर हम जब कंटिन्यू फ्लो में जब मॉक देते हैं 180 मिनट्स का, 200 मिनट्स का, तब वो चीजें आसान हो जाती है फिर एग्जाम देने में। जैसे हमारा एचओसी का है, उसमें पहले हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी का देते हैं, जो 20 मिनट्स का होता है, जो 15 मिनट्स का होता है, छोटे छोटे जो प्रीलिम्स होता है हमारा, जैसे हम लोग एग्जाम जैसे हमारे पास आती है उस हिसाब से हम लोग अपने हमारे मॉक टेस्ट को भी, मॉक टेस्ट के पैटर्न को भी चेंज करते रहते हैं। जैसे कोई मेंस है तो मेंस का, प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स, पर हम लोग रोज कंसिस्टेंटली 180 to 200 मिनट्स का मॉक देते ही देते हैं। उसके साथ में जो हमारा प्रीलिम्स का मॉड्यूल चलता है, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस, हम दोनों पैटर्न को फॉलो करते चलते हैं। पर क्या होता है कि जब हम दूसरे मॉक टेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारे हमारी चॉइस होती है, प्रीलिम्स दे दिया हो गया, दो प्रीलिम्स दे दिया हो गया, कोई रहता नहीं है डांटने वाला। पर यह ऐसा होता था कि सर ने पूछ लिया आज मॉक नहीं दिया तुमने तो फिर वो डांट पड़ती थी, तो इंसान दे ही देता था। अच्छा लाइक एक एक्सपेरिमेंट मैंने जो किया हुआ है लास्ट ईयर से कि 60 मिनट के प्रीलिम के मॉक को 54 मिनट का कर देना, या फिर हर एक मेंस के सेक्शनल के जो टाइमिंग है उसमें 5-5 मिनट कम कर देना उस हिसाब से, तो उसका उसका क्या रोल है मैं जानना चाहता हूँ एज अ सीनियर, आप सीनियर हो यानी 54 मिनट का मैंने हम लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा सिस्टम लैग करता है, हमारे माउस में दिक्कत होती है, हमारे हमारा जो वहाँ का जो स्क्रीन होता है उसमें प्रॉब्लम होता है, कभी किसी का स्क्रीन फ्लिकर कर रहा होता है। जैसे मेरा आरआरबी पीओ के टाइम्स हुआ था, आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स के टाइम पे मेरा तो पीसी ही हैंग हो रहा था, तो ये सारी चीजें एग्जाम हॉल में फेस होती ही होती है। और उसमें फिर 2-3 मिनट आपके हो सकता है, 5 मिनट भी वेस्ट चले जाए, और प्रीलिम्स में वो 5 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। तो हम अगर ऐसी आदत लगाए कि जो 20 मिनट का एक सेक्शन है 18 मिनट में अगर हमारा पूरा सॉल्व हो जाए, वो 2 मिनट अगर हमें एक्स्ट्रा मिले तो हमारा तो बेनिफिट है, मतलब सोने पे सुहागा ही है फिर तो। हमारी एक्यूरेसी में डाउन हो जाएगी वो 2 मिनट। हम लोग पूरा पेपर चेक सकते हैं फिर से कि एक लुक कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन हमारा छूट गया है, तो इसको हम लोग 2 मिनट देके सॉल्व कर लेते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। मेंस के टाइम पे भी ऐसा होता है कि अगर हमारा कोई 45 मिनट का सेशन है, पर हम 40 मिनट्स में इतने, अगर मेरे आज 40 मिनट्स में मेरे 15 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और मुझे 5 मिनट एग्जाम में एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ऑल राइट, सो श्रद्धा इसका मतलब कंक्लूजन यही निकलता है कि जो एक्सपेरिमेंट हम हमारे मॉक्स के अंदर करते हैं वो सही में काम के हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो रियल एग्जाम में भी कुछ ना कुछ वैसे गड़बड़ हो ही जाती है एग्जाम टाइम में, किसी का माउस खराब होता है, किसी का स्क्रीन में प्रॉब्लम होता है, तो ये बहुत हेल्पफुल है ये चीज जो हम लोग हमारे मॉक टेस्ट के पैटर्न में फॉलो करते हैं। ऑल राइट श्रद्धा, मुझे ये पता करना है कि स्पीड का रोल कितना प्ले करता है फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन, एंड स्पीड बढ़ाने के लिए आपने कौन से डिसीजन लिए या क्या क्या एक्सपेरिमेंट आपने किए थे, वो थोड़ा स्टूडेंट को जानना रहेगा, तो वो बताइए क्या है, क्या किया आपने? ओके, तो स्पीड का इम्पोर्टेंस जो है वो प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेंस। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल प्रीलिम्स का कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहा है, जैसे हम लोग SBI में देख चुके हैं, जो जैसे RRB के एग्जाम्स में देख चुके हैं, IBPS क्लर्क में देख चुके हैं, तो उसके लिए तो स्पीड विथ एक्यूरेसी दोनों चाहिए, स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। तो उस वो प्रॉब्लम मेरा भी था, तो फिर आपने सजेस्ट किया कि आप एक टाइप के क्वेश्चंस को उठाओ और फिर उनको 50 to 100 क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तो आपकी स्पीड भी बनेगी और आपकी एक्यूरेसी भी बनेगी कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिखता है तो मेरा ये लॉजिक लगना चाहिए उस क्वेश्चंस को देखते ही। तो ये चीज बहुत हेल्प करी, प्लस आपको नींद बहुत अच्छे से लेनी है जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी पे अफेक्ट करेगा, क्योंकि नींद नहीं होती है तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत बनते हैं, जिसमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बनता नींद कम होने की, तो ये चीजें भी अफेक्ट करती है। एक स्पीड के लिए आपने क्वेश्चन का काम किया, और क्या क्या किया आपने स्पीड बढ़ाने के लिए, व्हाट यू हैव डन?
स्पीड बढ़ाने के लिए हमारे एचओसी में जो आप रोज ऐसे 20 मिनट्स का जो हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है जिसमें मॉक्स बहुत हेल्पफुल है विद टाइमर अलोंग विद टाइमर, क्योंकि टाइमर का प्रेशर भी हैंडल होना चाहिए. क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने बैठे तो ऐसे वो तो दिन भर में सॉल्व हो जाएंगे विद एक्यूरेसी, पर अगर हमें उस टाइम के प्रेशर को भी हैंडल करना आना चाहिए, जिसके लिए फिर मॉक्स बहुत हेल्पफुल है. कि 20 मिनट्स के टाइमर में जैसे हम लोग 50 क्वेश्चन चलाते हैं तो 50 तो नहीं हो पाते, मेरे से तो आज तक हुए नहीं है, पर टच कर जाती हूँ मैं 40-45 ऐसा तो टच कर जाती हूँ. फिर तो वही कि वो प्रेशर फील होता है कि नहीं टाइमर के साथ क्वेश्चंस होना चाहिए विद एक्यूरेसी और फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व होने चाहिए. तो श्रद्धा मेरा और एक क्वेश्चन था कि जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट है एंड उनके पेरेंट के तरफ से उनको गाइडेंस आता, यानी अपने हिसाब से काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि आप अगर कॉम्पिटिटिव करना चाहते हो तो आपने अपना प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के बाद करना चाहिए, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है अगर कोई फ्रेशर है तो? अगर कोई अंडर ग्रेजुएट है और वो अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट कर सकते हैं, पर उस आपको फिर मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि आपके एकेडमिक्स भी अफेक्ट नहीं होने चाहिए उसके वजह से, आपका वहां पे पॉइंटर भी आना चाहिए और फिर वो ये भी मैनेजमेंट. पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि जो नोटिफिकेशंस निकलते हैं वहां पे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. फिर अगर स्टार्टिंग में आप अपनी स्पीड को डेवलप करने में ध्यान दे सकते हैं, एक्यूरेसी पे ध्यान दे सकते हैं, अरिथमेटिक के बेसिक क्वेश्चंस को जो बेसिक लेवल वन के क्वेश्चंस है, जो बेसिक डीआईज हो गई, बेसिक पजल्स हो गई, तो आप बेसिक अपना जो कॉलेज के साथ साथ में आपको जो टाइम मिलता है अंडर ग्रेड के टाइम पे वो आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं. फिर जैसे ही आपका कॉलेज खत्म हो गया फिर आप लेफ्ट पे मूव ऑन कर जाइए, आप फिर उसके बाद आप मॉक्स लगाना स्टार्ट कीजिए, ये स्ट्रेटेजी के साथ आप जा सकते हैं. अच्छा श्रद्धा आपका गोल क्या है, अभी तो आप SBI में लग गए, व्हाट इज योर गोल, कुछ आइडिया, कुछ ऐसा सोचा है? हाँ आगे इसके बाद तो मेरा गोल है RBI में. अच्छा अभी हमारे क्या RBI असिस्टेंट वाला है, देखते हैं RBI असिस्टेंट आता है तो फिर RBI असिस्टेंट के लिए मैं अपीयर होंगी, पर मुझे अल्टीमेटली RBI ग्रेड भी करना है उसके आगे, तो लेट्स सी कैसा होता है क्या जाता है. तो मैं तो चाहती हूँ कि सर आप RBI ग्रेड भी में भी वो वाली जर्नी में भी आप मेरे साथ रहे, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने UPSC का प्रिपरेशन अपना छोड़ा, पर अगर उस टाइम पे मुझे अच्छे मेंटोर मिल गए होते तो मैंने कभी प्रिपरेशन नहीं छोड़ा होता. तो अच्छे मेंटोर का एक वो रोल है कि मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ उसमें एक अच्छे मेंटोर की बहुत ज्यादा वैल्यू है. ओके ठीक है, ऑलराइट. सो अपना अल्टीमेट गोल है कि लाइक आई एम लुकिंग फॉर द RBI ग्रेड बी सर फाइनली. यस RBI ग्रेड बी. ओके ओके अच्छा बहुत जबरदस्त. और कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगी प्रिपरेशन के दौरान, ऐसे कौन से पॉइंट्स आप श्रद्धा को लगे कि प्रिपरेशन के दौरान पॉइंट नंबर वन ये आपको जहन में रखना चाहिए, पॉइंट नंबर टू ये आपको जहन में रखना चाहिए, पॉइंट नंबर थ्री आपको जहन में रखना चाहिए, तो आपको ऐसा क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, क्या आपने ऑब्जर्व किया प्रिपरेशन में? सबसे पहले कि हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, उसके बिना कुछ भी नहीं है. और दूसरा जो है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको चाहिए, क्योंकि अगर आपके आजू बाजू का एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं है तो आप अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते अच्छे एनवायरनमेंट में. जैसे एनवायरनमेंट आप माइंडसेट उस लेवल जा ही नहीं सकता अगर आपके बाजू में बहुत नेगेटिविटी आजू बाजू नेगेटिविटी एक्शन है. तो सबसे पहले तो आपको उस डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है, नेगेटिविटी को हटाना है और अपने माइंडसेट को तगड़ा करना है. ये दो चीजें हो गई. और तीसरी चीज ये होगी कि आपको आपको अपना शेड्यूल बनाना है, रूटीन बनाना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है. और रूटीन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपको अगर डिसाइड किया है कि मुझे 6 बजे उठना है तो उठना ही है, क्योंकि हमारे माइंड को भी वो आदत हो जाती है कि जैसे हम आज मॉक हम सुबह 9 बजे दे रहे हैं तो कल हो सकता है हम लोग 1 बजे दे रहे हैं, तो आपकी एफिशिएंसी में भी दिखेगा आपको. ये चीजें होती, ये तीन तो मेजर थी. पहला है एक हमारा माइंडसेट, दूसरा है हमारा एनवायरनमेंट, उसके साथ साथ मेंटर भी, और तीसरा है हमारा टाइम मैनेजमेंट और रूटीन जो एक ये हो गए. ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगी. ऑलराइट मतलब 3 से 4 चीजें जहन में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले अगर बात करूं तो दैट इज लाइक सेल्फ बिलीव,
विच इंक्लूड्स माइंडसेट ऑल्सो, उसके बाद लाइक गाइडिंग स्टार जब वो मेंटोर की बात करते हैं वो, और एक एनवायरमेंट, एंड द लास्ट वन वुड बी रूटीन. आपका रूटीन एक फिक्स्ड होना चाहिए कि ये टाइमिंग पे आपको ये करना है, राइट? ओके, ऑसम, वंडरफुल. अच्छा, तो लाइक बहुत बढ़िया चीजें आपने बताई है. मैं आऊंगा सब्जेक्ट के ऊपर. थोड़ा सा मुझे सब्जेक्ट के बारे में जानना है कि लाइक यू पर्सनली, आपने बोला कि लाइक मुझे इंग्लिश अच्छा बनता था, तो मुझे हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताओ कि लाइक एक स्टूडेंट ने जो इंग्लिश में जिसका फोबिया है, बहुत बड़ा फोबिया है इंग्लिश के बारे में, क्या पहले इंग्लिश के बारे में बात करते हैं कि इंग्लिश के लिए प्रोसेस क्या रहना चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू. इंग्लिश जो है हम उसे एक सब्जेक्ट की तरह नहीं ले सकते कि मुझे उसमें उसके रूल्स है जो मुझे याद करने ही करने हैं, अगर ये है तो ये रूल ही लगेगा. पर ये एक जो है ये एक लैंग्वेज है, तो हमें उसे लैंग्वेज की तरह देखना पड़ेगा कि वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है. जैसे इंग्लिश में बहुत बार हमारे इंस्टिंक्ट भी काम कर जाते हैं. जो सबसे ज्यादा जो इंग्लिश के लिए मुझे हेल्प किया वो था रीडिंग, क्योंकि मेरी रीडिंग हैबिट भी पहले से थी, उसके वजह से मुझे बहुत हेल्प हुआ. वो न्यूज़पेपर क्या, अगर जैसे आप अगर बड़े लेवल के जो हमारे न्यूज़पेपर्स हो गए, जो इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदू हो गया, उनको मत पढ़िए, स्टार्टिंग में ही मत उठाइए. जो बेसिक बुक्स है, जो हमारे इंडियन ऑथर्स है, बहुत सिंपल लिखा है. जैसे सुधा मूर्ति जी है, उनकी लैंग्वेज सबसे सिंपल जो हमारे जो ऑथर्स है वो सुधा मूर्ति जी है, क्योंकि उनका ऐसा बोल कि कोई अगर बेसिक किसी को इंग्लिश आती है, जो हाउस वाइफ भी है, उनको अगर मुझे उनको अपनी बुक्स पढ़वानी है, छोटे बच्चों को बुक्स पढ़वानी है, तो उनकी बुक्स आप पढ़िए. उनकी बुक्स बहुत बेसिक होती है, तो उनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं. फिर आप एक अच्छे ऑथर की तरफ देख सकते हैं. जैसे स्टोरी हो गया, फिक्शन हो गया, फिक्शन की तरफ भी आप देख सकते हैं पढ़ने के लिए. वो उससे आपको बहुत हेल्प होगी बुक्स से. फिर आप धीरे धीरे जैसे आपके लोकल न्यूज़पेपर जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया कोई पढ़ता है, तो फिर आप वैसे स्टार्ट कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही आप बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ो, बड़े बड़े हिंदू के आर्टिकल्स पढ़ो. ओके सर. श्रद्धा, तो जैसा आपने इंग्लिश के बारे में एक बुक्स पॉइंट बताया, और क्या होना चाहिए, देन उसी के साथ आप बाकी के सब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दीजिए जो आपने फॉलो किया, राइट? इंग्लिश में सबसे पहले हो गया बुक्स. बुक्स के साथ आप जो आपके लोकल न्यूज़पेपर्स है, उसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट, ये तीन चीजें आप फॉलो करिएगा. अगर जो हमारे जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, अगर वो नहीं हो रहे तो ठीक है, आप रूट वर्ड्स के साथ जा सकते हैं. जो रूट वर्ड्स है उससे हमारा काम बन जाता है मोस्टली. फिर अगर हम इसको देखें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, तो फिर उसमें हमारा सबसे पहले तो हमारा स्पीड मैथ्स आता है, जो हमारी सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चीजें हो गई. उन पे हमारी कमांड अच्छी होनी चाहिए, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है. मेंस में भी ये चीजें कई बार काम आ जाती है, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं. तो जैसे आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर बहुत टफ आ गया था, डीआईबी सॉल्व करने लायक नहीं थी, तो यही चीजों ने जान बचाई थी आईबीपीएस पीओ मेंस में. फिर अरिथमेटिक हो गया. अरिथमेटिक का बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए. जैसे जो क्वेश्चंस है वो बेसिक्स को लेके ही बनते हैं, हाई लेवल क्वेश्चंस भी. तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, तो आप अगर लेवल टू के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे. डीआईज हो गया. डीआई में भी जो चार पांच जो टाइप आती है डीआई की, सारे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा. जो मॉक्स है, मॉक्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं. मेंस के लिए तो मैंने सोलली डिपेंड किया है मॉक टेस्ट पे. मॉक टेस्ट में ही आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे. कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है कि मेंस का कंटेंट के लिए ये यूट्यूब चैनल कोई जरूरत नहीं. मेंस का एनालिसिस करो, अच्छे से हो जाएगा मेंस के लिए. फिर हमारा रीजनिंग हो गया. रीजनिंग के लिए भी सेम, जो मिसलेनियस है वो तो हमें करना ही है प्रीलिम्स के लिए. मेंस के लिए भी हम लोग बहुत बड़े बड़े पजल सॉल्व करते रहते हैं, पर वो अल्टीमेटली मैंने देखा कि मुझसे तो वो नहीं बने एग्जाम हॉल में. जो हमारे मिसलेनियस होते हैं, जो कोडेड इनइक्वालिटीज वगैरह होती है, जो कोडेड ब्लड रिलेशन होते हैं, कोडेड जो डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं, तो भी आपका मेंस हो जाएगा. जो और हमारे जो हम लोगों का लगता है कि रीजनिंग में बड़ा पजल ही आता है, नहीं, छोटे छोटे पजल्स भी आते हैं. जैसे 3-3 मार्क का पजल हो गया, मेंस में वो भी आता है 3-3 मार्क्स के लिए. तो जरूरी नहीं है कि आपको बड़े बड़े पजल्स को ही प्रैक्टिस करना है. तो फिर हो गया हमारा करंट अफेयर्स तो हमें डेली पढ़ना ही है, करना ही है, उसके सिवाय तो नहीं, चारा ही नहीं है. जो इस बार का जो करंट अफेयर्स का ट्रेंड देखा गया है, काफी डेप्थ में पूछा है. ऐसा नहीं कि वन लाइनर्स करोगे तो हो जाएगा, नहीं. अगर कोई
एक न्यूज है तो उसका पूरा पोस्टमार्टम हमें करना ही करना है कि आपका लिखा हुआ आपको अच्छे से समझ आता है तो आपको जरूरत नहीं है फिर एग्जाम के लास्ट मोमेंट डेज पे कि आपको बहुत सारी पीडीएफ को छान मारना है, ये पीडीएफ वो पीडीएफ, आपके पास नोट्स है तो आपका 50-80% काम तो ऐसे ही बन जाएगा। तो फिर अगर आप एक आधा कोई समरी भी उठा लेंगे तो अगर आप वो वन लाइन पढ़ लोगे और दिमाग में रिकॉल कर लोगे कि इसका इसके अराउंड ये न्यूज थी तो आपका काम बन जाएगा। बहुत जबरदस्त, ठीक है। सो लाइक श्रद्धा, अगर इस इंटरव्यू को हम कंक्लूड करेंगे तो एक कोई भी स्टूडेंट ने एक लाइन में आप जैसे 7-8 points अगर श्रद्धा को ऐड करना होगा कि प्रिपरेशन में भाई ये लेके चले जा तेरा रिजल्ट बन जाएगा, तो वो लिस्ट क्या है श्रद्धा के पॉइंट ऑफ व्यू? सबसे पहला जो मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया कि हमें बड़ा जिगरा रखना है, ये चीज एग्जाम वर्ल्ड में तो छोड़ो मेरे रियल लाइफ में भी मुझे बहुत हेल्प किया इस चीज में। हमें निराश नहीं होना है, हमारा एक फेलियर, हम लोग प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं मेरा अगला प्रीलिम्स भी नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। आपका एक चीज फेल हो गया छोड़ो उसे, उस चीज को छोड़ दो, पकड़ के नहीं चलना है कि मेरा फेल हो गया, नहीं, आगे अपॉर्चुनिटीज है उसको देखो, फेल हो गया तो हो गया, देखो कि आप कहाँ कम रह गए वो, तो उसके लिए आपको बड़ा जिगरा चाहिए, आपके फेलियर्स को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज हो गई। दूसरा चीज जो मैंने पहले भी बोला था कि माइंडसेट हो गया, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो गया, एक अच्छी मेंटर हो गए, और आपका जो मॉक टेस्ट देने का जो पैटर्न है वो हो गया, आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ लिया तो कल मैंने 2 ही घंटे पढ़ा, ऐसा नहीं कि आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बहुत ज्यादा बड़ा आपका स्टडी रूटीन भी नहीं होना चाहिए जिसमें आप एग्जॉस्ट हो गए फिर दूसरे दिन ऐसा लगा कि नहीं अब नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। आप 6-7 घंटे ही पढ़ो पर कंसिस्टेंटली पढ़ो, ऐसा होना चाहिए। फिर आपके जो मॉक्स है, मॉक्स आपके छूटने नहीं चाहिए, चाहे एक दिन आप पढ़ाई कम कर लो, 1-2 घंटा कम कर लो पढ़ाई, पर मॉक्स तो आपको रोज देना ही देना है, 3 घंटा बैठ के, चाहे आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे नींद आ रही है, पर नहीं, आप यही, क्योंकि यही चीज होती है जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमारी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी नींद नहीं हुई होती है रात में अच्छे से, तो इस कंडीशन में भी आपको पेपर बिगाड़ना नहीं चाहिए, आपका पेपर नहीं बिगड़ना चाहिए, तो उसकी भी आदत होनी चाहिए, तो ये चीज हो गई। और फिर ये कि लास्ट में तो यही कि आपको खुद पे विश्वास चाहिए कि हाँ ये मेरे से हो सकता है, ये मेरे लिए ही बना है और ये मेरे से क्रैक हो जाएगा। अच्छा, वंडरफुल, ठीक है, बहुत बढ़िया लगा आपसे, लाइक काफी सारी चीजें जो हमारे व्यूवर्स है उनको सीखने को भी मिली होंगी। बस एक लास्ट में पूछना चाहता हूँ कि लाइक डू यू थिंक लाइक स्वप्निल सर एज अ गुरु आपके जो लाइफ में आए वो वैल्यूएबल थे या लाइक क्या इम्पोर्टेंस था उनका? सर मैं आपको मेरे लाइफ का थोड़ा सा फेज बताना चाहूंगी। जैसे 2020 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, मैं कोविड हुआ, तो कोविड के टाइम पे ऐसा हो गया कि हम लोग घर पे थे, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, मेरा 21 बहुत खराब था, मतलब मैं मेंटली एट पीस थी ही नहीं, पर मेरा जो 2022 था वो बहुत अच्छे से गया, तो उसका क्रेडिट ही मैं अपने गुरु को देती हूँ कि अगर आप स्वप्निल दुलस्कर सर को अपना एग्जाम मेंटर ही नहीं पर वो आपके लाइफ कोच हैं। मैंने बहुत सारी चीजें उनसे सीखी है, मैंने एज अ पर्सन मैंने ग्रो किया है 2022 में, तो ही इज द बेस्ट मेंटर, मतलब मैंने आपसे सब्जेक्ट बहुत कम पढ़े पर मैंने आपसे जो लाइफ लेसन है कि जो, और जो सबसे बड़ा आपका स्टेटमेंट है ना सर की बड़ा जिगरा लेके चलो, तो उसके वजह से मैंने खुद में एज अ पर्सन बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, मैं बहुत काम हुई हूँ, बहुत पेशेंस मुझ में रहा है ये थ्रू आउट द जर्नी, क्योंकि मेरे पास आपके जैसे मेंटर थे, तो वो मायने मेरे लाइफ में स्वप्निल दुलस्कर सर एज अ गुरु, वो मायने मेरे आपके है मेरे लाइफ में। ऑलराइट, वंडरफुल, चलो थैंक यू सो मच। चलो सो गाइस जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स की लाइक व्हाट डू एग्जैक्टली लर्न, क्या बुलेट पॉइंट्स आपने पिकअप किए इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के दौरान, एंड आप अपने प्रिपरेशन के लिए क्या एक्शंस और क्या डिसीजन लेने वाले हो, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद द थिंग्स, ज्यादा मत सोचना, आप एक मैसेज भी ड्रॉप करोगे ना इसके नीचे तो माई टीम विल कनेक्ट टू यू, देखते आपको कैसा हेल्प हो सकता है। तो बिकॉज यार हम भी एक ही कान मंत्र लेके चलते हैं, हम हमारे स्टूडेंट को भी यही बोलते हैं, जैसे लाइक श्रद्धा बिलोंग टू द सीनियर कैटेगरी, राइट, ऑब्वियसली वो कम्युनिटी के लिए एक दो सेशन भी ले लेंगी,
बट यू नो व्हाट, आप जहां पे भी फंसे होंगे ना प्रिपरेशन में, वहां से निकालने का, अगर आप स्पेशली बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर के लिए देख रहे हो, तो काफी अच्छा गाइड कर सकता हूं मैं और काफी अच्छा आपको आगे भी लेके जा सकता हूं। तो हताश नहीं होना प्रिपरेशन में, निराश नहीं होना, कोई भी डिसीजन लो, एक्शन लो, आप जीतोगे पक्का। ठीक है, सो थैंक यू सो मच श्रद्धा एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।